LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन, केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13269। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दमोह जिले की दिन भर की बड़ी खबरों में। संपूर्ण देशवाड़ी वंशकार समाज विकास समिति के द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा जातिगत टिप्पणी से आहत होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग की गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तेंदुखेड़ा में, SDM के पास कहा कार्रवाई हो। आदिवासी वर्ग के लोगों की खेती पर किए जा रहे जबरन कब्जे, कुमारी थाना क्षेत्र के ग्राम घोगरी पंचायत बमनी पोस्ट सलैया तहसील पटेरा में आदिवासी वर्गों के 30 से 40 लोगों ने बरसों के से कब्जे की जमीन पर खेती की जा रही है, किंतु कुछ लोगों के द्वारा उनकी जमीनों पर जबरन खेती की जा रही की शिकायत करने के बाद शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस संबंध में जांच ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। पटवारियों की चल रही हड़ताल को लेकर बौद्ध जन हड़ताल में शामिल होकर समर्थन दिया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। दमोह जिले में रोटी क्लब के द्वारा लगातार ही सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं। रोटी क्लब दमोह के द्वारा मिशन स्थल पहुंचकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि दमोह जिला अस्पताल के बाद दमोह में मिशन अस्पताल में भी ब्लड को रखने की व्यवस्था की गई है और यहां पर रोटी क्लब के द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। दमोह जिले में जन आशीर्वाद यात्रा का होगा भव्य स्वागत। दिव्य रूप में प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली जाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा, जो कि दमोह जिले में 20 सितंबर को पथरिया विधानसभा क्षेत्र में व 21 सितंबर को दमोह विधानसभा क्षेत्र में आएगी, जिसकी तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया व सभी कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपे गए। दमोह कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय, निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बड़ी संख्या में अधिकारी रहे उपस्थित। मतदाता जागरूकता रैली को किया रवाना। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम के में कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल के निर्देशन में एवं जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह के छात्रों के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के विभिन्न स्थानों से भ्रमण करते हुए मुख्य सड़क पर निकली। बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के रहे छात्र उपस्थित। दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दमोह के 3 गुल्ली के पास सड़क हादसे में 2 घायलों को 100 डायल के द्वारा गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गाड़ी से तो दूसरा व्यक्ति साइकिल से था, दोनों का गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। चौकी केरवना में आने वाले गणेश उत्सव समारोह एवं अन्य त्यौहार के संबंध में शांति बैठक की गई। ग्राम की गणमान्य सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।